तो गाइस यहाँ पे मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ और आज है रमज़ान का पहला दिन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ तो वही रिकॉर्ड कर रही थी और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इस बार तो मैं उतना मतलब व्लॉग बन डेली का तो डेली नहीं डाल सकूँगी, दो दो दिन का डाल पाऊँगी वैसे करके। और ये फर्स्ट डे का है और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और अल्लाह करे इस महीने में हम सबको बरकत मिले, हमारे रिस्क में बरकत हो और हमें सेहत हो, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। तो रमज़ान मुबारक आप सबको, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे अल्लाह ताला हमारे इबादत को कबूल करें, दुआओं को कबूल करें, हमारी परेशानियाँ को दूर करें, सब अच्छा करें। तो यही मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। अभी मॉर्निंग है, मतलब जोहर का टाइम हो रहा है। कैसे आप सब आई हो, आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है पहला रमज़ान, फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, और आज हम लोग सब ने रोज़ा रखा है, मैंने भी रखा है और मैं पूरी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कोशिश करूँगी रखने की। और व्लॉग मैं पिछले साल रमज़ान में मैं रोज़ डेली व्लॉग आपको देती थी, बट इस बार देखिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि रोज़ दे पाऊँगी, बट आई थिंक पहला दिन का तो जाएगा ही जाएगा और फिर मिला मिला के मैं भेजूँगी, मतलब डालूँगी डे टू डे थ्री। तो गाइस प्लीज़, मेरे क्या है कि मेरे बाबू का मतलब ये स्कूल जायशा का खुल गया है, स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है सुबह उसको उठाना, रेडी करना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, तो मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाता है गाइस। तो उतना व्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी, ऊपर से रोज़ा वगैरह भी रखना है, तो बनाऊँगी भी तो अगर तो दो दो दिन पर डाल सकूँगी वैसे करके, डे टू डे थ्री ऐसे करके डालूँगी, एक ही दिन दो दिन का एक बार मैं डालूँगी, बट फर्स्ट डे का तो आपको मिलेगा। और साइशू स्कूल गई है और एक बज गए हैं, अभी वो आएगी थोड़ी देर में। और बस यही सब चल रहा है, मैंने अपने कुरान शरीफ पढ़ लिया है और नमाज़ भी पढ़ लिया है जोहर की, और मेरे हस्बैंड कोलकाता चले गए हैं और वो ईद से पहले ही आएंगे। मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी आ जाइएगा ईद से वन वीक पहले या तीन चार वही फाइव डेज पहले ऐसे ही आ जाइएगा, क्योंकि वो रहते ना तो ईजी थोड़ा हो जाता है बाबू को लाना वाना। अभी मुझे देखना पड़ेगा वैन का, पूरा पता करना पड़ेगा पता नहीं कितने बजे आएगा मैम, तो देखते क्या होगा जैसा होगा। और आज फर्स्ट डे है तो हम लोग समोसा तो बनता ही है गाइस, कीमा समोसा जैसा कि आपको पता है, तो वही फर्स्ट डे में फुल्की चना, फुल्की वो होता है दाल वाली पकौड़ी होती है और चना वगैरह बनेगा, तो जो होगा जैसा होगा आपको दिखाऊँगी जो जो बनेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिएगा। और देखिए गाइस अभी ये हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, वही मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। अब देखते हैं मम्मी किचन में क्या कर रही हैं, तो उनसे मिलवाते हैं। क्या कर रही हो, पहला दिन रमज़ान का, क्या बन रहा है? समोसा, समोसा, फुल्की, चना। मम्मी का तबीयत अभी भी ठीक नहीं, खांसी कम हुआ पहले से? पहले से कम हुआ, मम्मी का खांसी अलग पकड़ लिया है। इसमें कीमा बन रहा है क्या? कीमा समोसा के लिए, मिर्चा प्याज और क्या चल रहा है? अच्छा चना है, ये भी डालती है? नहीं अलग से, आलू कटा, रोटी का बना, नमक उमक उसी टाइम डालने का, फिर फेटा है शाम में, समोसा का आटा भी होता है, हुआ बनेगा इसका गुलगुल्ला, क्या गुलगुल्ला हुआ गुलगुल्ला, हम लोग वही बोलते हैं। हाँ रोज़ा पता चल रहा है? अभी उतना नहीं लग रहा है, अब दिन भर में पता नहीं क्या होगा, अभी मौसम भी यहाँ ठंडिया ही है। अब ये बनेगा पुआ का घोल बैटर, शाम में दिखाएंगे क्या क्या बनता है। ये भाई की आज ब्रेड खा के गई थी, अभी आई नहीं है, देखिए अब आएगी, एक बजे बज रहा है, पौने दो तक
ठीक है यार, मैंने करती नया कपड़ा वगैरह रखा हुआ है हम लोग सबका, और काम वाली लोग आके चली गई, काम वाम हो गया है। अभी जोहर का मैंने पढ़ लिया, बट अजान की भी हो ही रही है जोहर की गाइस। और यहाँ अभी भी ठंड है ही गाइस, वैसा गर्मी प्रॉपर नहीं आ रहा, बट अब मैं चाहती हूँ बाहर भी, आई डोंट लाइक ठंड बिल्कुल भी गाइस, बिल्कुल। देखते हैं अब जायशु आएगी तो फिर उसका उसको लंच कराना है, ये सब करवाना है बस। और अभी उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है जायशा का, उसका गए हुए अभी 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया और एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है उसका। UKG में उसको हम लोग ने एडमिशन कराया, नहीं सॉरी LKG, हाँ LKG में है, हाँ। और फिर उसके नेक्स्ट सेशन अप्रैल से स्टार्ट होगा, प्ले स्कूल है अभी कुछ ही दिन यहाँ रहना है, फिर तो जाएगी कोलकाता। इसीलिए पापा ही ने कहा था मेरे, जैसा कि आपको कहा था, तो दिखते हैं वो आती तो आपको मिलवाते हैं, और सबको रमज़ान मुबारक। और कल मैं चांद देख नहीं पाई थी, बट अल्लाह सबकी सब दुआ कबूल करे इंशाल्लाह, हर परेशानी दूर हो। तो बस यही है गाइस, जो होगा जैसा होगा, जो भी इफ्तारी में बनेगा सब आपसे शेयर करूँगी। और गाइस रोज़ इसी टाइप का ब्लॉग आपको मिलेगा, क्योंकि रेसिपी पिछले बार मैं बहुत सारे रेसिपी अलग अलग देती थी, बट इस बार अगर जब बनेगा न्यू रेसिपी तो दो ही सकूँगी, क्योंकि इस बार मम्मी का भी तबीयत वैसा ठीक नहीं है, खांसी वगैरह है, और इसीलिए भी मैं अगर दे पाऊँगी तो देऊँगी, वरना डेली का रूटीन यही दिखेगा। कोई खाना लिया इसको, रायशा का खाना लिया हो, आ गई है रायशा। क्या पता रायशा, रात के लिए भी आसान हो जाएगा। अभी तुम दही डालियो ना, अभी तुरंत डालियो, चिकन बन चावल बन गया तुम्हारा, चावल बन गया, दाल बन सब बन, दाल अभी नहीं बन। हम सोचे थे आज अभी तो फिर भी लेके ख़त्म करेगा, गरम आज भी कमी है पीसेस लग रहे हैं तो, हाँ काम कम बनाइयो, काम छोटा ये भी छोटा है, हम बोला आज ही किलो एक दिन दो दिन से चल दो टाइम चलेगा तो रोजा है, नहीं जैसे कल रात और फिर आज ऐसा क्या कर रहे हो, निया के ले जाओ रोज़ा में, तो दिन भर रोज़ा ही है, फिर तो इफ्तारी में पेट भरता है, इफ्तार इतना रहता है बंदा सब। और भी कुछ कुछ बना है क्या, ये क्या है, ये कच्चा वाला सब तो है, दिखा ही चुका बन गया, ओ वाला जो इसे बहुत टेस्टी रहता है, सबसे अच्छा लगता है। नहीं मम्मी रमज़ान का तुमको पसंद आता है बना, अच्छा लगता है बहुत, मतलब फुल्की में मज़ा आता है खाने, नहीं इसीलिए अच्छा। 6 बजे शायद है मगरिब का, तो कितने बजे से स्टार्ट करोगे इफ्तार, 5:15 4:30 शायद, 5:30 है नहीं, 5:00 बन जाएगा, तो फिर राशु खिला देगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे पुआ बन रहा है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोग ने लास्ट ईयर के व्लॉग में देखा होगा रमज़ान व्लॉग में, तो आपको पता है। और ये फुल्की हमारे यहाँ बनता है,
ये चना का, ये दाल का फुल्की होता है जो दाल का पकौड़ा एक तरह से, और ये मैंने बेल के रखा है समोसा के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मम्मी ने फिलिंग तो बना ही दिया था पहले से, कीमा का, मटन कीमा का। और फिर पुआ अभी फ्राई हो रहा है, सबसे पहले अभी पुआ ही फ्राई कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पुआ थोड़ा मतलब इजी है, जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है। और गाइस यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ये इतना फ्राई भी हो गया गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मम्मी ने न्यू कढ़ाई भी लिया है, वो भी बन रहा है, हम डाल लेते हैं, तुम हमको डालनी तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कढ़ाई प्लस अच्छा मतलब साइज ये तुम अच्छा। और फिर ये समोसा का डिज़ाइन बना दिया है मैंने, बेला का बनाया है, और कीमा हम फिर हमने पहले बना दिया था, जैसा कि आपको पता है। अब ये भी समोसा लिखाया है, ये बोला था इसीलिए ये रमज़ान का हमारा ऑल टाइम फेवरेट होता है समोसा कीमा का, जो डेली बेसिस पे बनता है, डेली बेसिस पे बनता है हमारे यहाँ। और मम्मी यहाँ पे बनाना तो गाइस यहाँ पे पुआ फ्राई हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, और समोसा तो हो ही रहा है फ्राई, और ये फुल्की जो मैंने बताया दाल का फुल्की हमारे यहाँ बनता है, बहुत लोग पकौड़ी भी बनाते हैं, हम लोग भी कभी कभी बेसन का पकौड़ा बनाते हैं। और यहाँ पे समोसा भी बन रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत फेवरेट है ये मुझे बहुत पसंद है खाने में, तो वो बन रहा है। और मम्मी और यहाँ देखिए गाइस कितने अच्छे से मम्मी इसको फिल कर रही हैं, और समोसा ऑलमोस्ट बन गया है। कुछ यहाँ पे आलू कट वाला चाट है, चना वगैरह डाल के कच्चे चना तो वो ही दिखा रही है। और समोसा हो चुका है डन जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा। और पुआ वगैरह तो हो ही गया था, अब फुल्की बस बाकी है। और ये फ्रूट्स देख लीजिए, ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मंगवाए क्योंकि यहाँ अभी भी ठंडी वेदर है। और ये देखिए ये फुल्की जो होता है पकौड़ा चना का, वो फ्राई हो रहा है लास्टली, अब अजान की टाइम एकदम हो गई है, तो एकदम ये लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, बस 2-3 मिनट्स बाकी है इस टाइम पे। ये फुल्की चना में खाने में बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत ही यम्मी रहता है। देख सकते हैं हमारे पहले दिन का इफ्तार रेडी हो चुका है, सब कुछ टेबल पे सेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब हम अजान का वेट कर रहे हैं। तो गाइस अजान हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैं अपना फास्टिंग खोल रही हूँ, अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।